डियर स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ की सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3 और ये अपनी नई एक्सरसाइज है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब चतुर्भुज। हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब होता है बहुभुज। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है पॉली। पॉली का मतलब होता है अनेक और गन्स का मतलब होता है भुजा, साइड्स। पॉली का मतलब मैनी और गन्स का मतलब साइड, मैनी साइड्स। इनकी ऐसी फिगर जिसमें मैनी साइड्स होती हैं। बहु, बहु का मतलब अनेक और भुज का मतलब होता है भुजाएं। देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए क्लोज शेप मेड अप बाय 3 एंड मोर देन 3 साइड्स इज कॉल्ड द पॉलीगन। इनकी एक बंद आकृति जो ये 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हो बहुभुज कहलाएगी। बेटा, 2 भुजाओं से कोई बंद आकृति नहीं बनती, नहीं 1 भुजा से कोई क्लोज फिगर बनता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से। तो ए क्लोज शेप मेड अप बाई 3 एंड मोर देन 3 साइड्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी कि ऐसी आकृति, बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हो बहुभुज कहलाती है आपकी। देखिए, साइड्स के अनुसार बता रखा है, अगर किसी में 3 साइड होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम ट्राइंगल बोलते हैं। अगर किसी में 4 साइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इनकी साइड्स गिनना और नाम बता देना। अगर 5 साइड हो तो क्या बोलेंगे उसे, पेंटागोन, यानी कि पंचभुज बोलते हैं। 6 साइड्स इनकी 6 भुजा हो तो उसे क्या बोलेंगे, हेक्सागोन बोलेंगे। 7 साइड्स का मतलब 7 भुजाएं हो तो उसे क्या बोलेंगे, हेप्टागोन या सेप्टागोन, कोई सा भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है सप्तभुज। अगर 8 साइड हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्टागोन, इनकी अष्टभुज बोल देंगे। 9 साइड्स होती है तो उसे नोनागन यानी कि नवभुज बोल देंगे। और 10 साइड्स होती है तो उसे डेकागन यानी कि 10 भुज बोल दिया जाता है। अब देखिए, कुछ अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर का अगर मैंने शेड कर रखा है, ये जो पार्ट है ये डार्क कर रखा है, शेड कर रखा है, छायांकित कर रखा है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाला। और ये क्या है बेटा, ये देखो क्वाड्रिलेटरल ये अंदर रहेगी, इसके बाहर का मैंने शेड कर रखा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाला पार्ट। ये क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर हो जाएगा, इनके अंदर वाला भाग हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाला इनके एक्सटीरियर पार्ट। अब हम आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं कुछ। देखिए, वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन, इनकी बहुभुज के शीर्ष क्या होते हैं बेटा, बहुभुज के द वर्टेक्स आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। कि वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, आर द एंड पॉइंट, इनके अंतिम बिंदु होते हैं ऑफ ए लाइन सेगमेंट किसी रेखाखंड के, फॉर्मिंग इनके बनने वाला द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, इनकी जिसके सहायता से पॉलीगन बनती है। तो देखिए, एक पॉलीगन बनाते हैं हम, ये साइड है, ये भी एक लाइन सेगमेंट बोल दे इसे, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, और ये भी लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 ये लाइन सेगमेंट है। देखिए, इस वाली जो लाइन सेगमेंट था उसका एंड पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और ये वाला रेखाखंड का अंतिम बिंदु यही तो है। इस वाली लाइन का है, इस वाली रेखाखंड का एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, इस वाली का ये वाला और ये वाला, इस वाली लाइन का ये और ये, और इस लाइन का है ये बिंदु और ये बिंदु। ये क्या है, अपने एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, और इन एंड पॉइंट्स को ही क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। ये क्या है बेटा, वर्टेक्स। वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, और ये वाला भी क्या है, वर्टेक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो शीर्ष कैसे पता लगाते हैं, अगर जिन लाइन सेगमेंट से और बहुभुज बनती है उनके एंड पॉइंट्स को हम हमेशा क्या बोलते हैं, वर्टेक्स से बोला जाता है। नेक्स्ट सेकंड है एडजेसेंट वर्टेक्स, इनकी आसन्न शीर्ष, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ द पॉलीगन आर नोन एज द एडजेसेंट वर्टेक्स। देखिए, एंड द एंड सेम ऑफ द सॉरी एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन आर नोन एज द एडजेसेंट पॉलीगन। ध्यान से पढ़ेंगे वापस से, कि एक पॉलीगन बना लेते हैं हम, ये एक पॉलीगन है क्योंकि 1 2 3 4 साइड है, इसलिए पॉलीगन बोल देंगे इसे।
इस पॉलीगन के द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड, किसी एक ही रेखा के अंतिम बिंदु। देखिए ये एक रेखा ले लेता हूँ मैं, ये साइड है, इस साइड के एंड पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे आपके, एडजेसेंट वर्टेक्स। या इस वाली रेखा के लिए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, एडजेसेंट वर्टेक्स। तो ये सारे क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स, कौन से, किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट, सेम लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट। तो ये और ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स। आसन्न शीर्ष एडजेसेंट वर्टेक्स। देखिए नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण। अंतः देखिए, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर का, और एंगल का मतलब कोण, इनके अंदर का कोण। तो क्या होता है अंदर का कोण, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पॉलीगन दैट लेज इनसाइड द पॉलीगन इज कॉल्ड आसन्न, सॉरी इंटीरियर एंगल। द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड, इनके दो आसन्न भुजाओं के मध्य का कोण ऑफ ए पॉलीगन दैट ले, किसी बहुभुज का दैट ले जो कि रहता है इनसाइड द पॉलीगन, जो कि उस बहुभुज के अंदर की तरफ हो। देखिए बच्चों कि मैं एक पॉलीगन बना लेता हूँ, ये एक पॉलीगन है क्योंकि 1 2 3 साइड है ना, ट्रायंगल बोल सकते हैं, पॉलीगन है ये। इस पॉलीगन की ये एक साइड है, इस साइड के एंड पॉइंट है ये वाला और ये वाला, इस वाली साइड का एंड पॉइंट है ये वाला और ये वाला। जब सेम साइड के एंड पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स, इनके आसन्न कोण, इनकी ये आसन्न वर्टेक्स, ये वाला और ये वाला वर्टेक्स कैसे है, आसन्न वर्टेक्स, ये वाला और ये वाला क्या है, आसन्न वर्टेक्स, आसन्न शीर्ष। और इनके मध्य का जो ये कोण है, इस वाले कोण को क्या बोला जाएगा, इंटीरियर एंगल। इनकी ये क्या होगा आपका, इंटीरियर एंगल, अंत है कोण।